उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की और संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री मदन कौशिक और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर लगाए गए टैक्स को माफ करने की घोषणा की। हम लोग मानना यह है कि चार धाम यात्रा उस घटना के बाद लगभग धीमी पड़ गई, उसके लिए एक जागरूकता होनी चाहिए और संत महात्माओं की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से संत महात्माओं को एक तरह से एक साथ ले जाकर करके वहां के दर्शन कराना चाहिए, ताकि लोगों का जो एक भय है वो मिट जाए कि नहीं यात्रा सुचारू चले, जब संत महात्मा वहाँ जा रहे हैं तो हमारे भक्ति जाएंगे वहाँ पे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत सहित चार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुख्य सचिव एस राधास्वामी, औद्योगिक सचिव शैलेश बगोली और अपर सचिव विनय शंकर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। खनन के मामले में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2016 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें रायवाला से भोगपुर तक गंगा में खनन करने का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था। इस मामले में स्वामी शिवानंद ने कोर्ट में शिकायत की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज भी उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। रिजिजू आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद लपथल पोस्ट पहुंचेंगे, जहां वो जवानों से मिलेंगे और रिजिजू चमोली में भी अपने कार्यक्रम में जाएंगे। इससे पहले अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कल दोपहर 1:30 बजे रिजिजू जोशीमठ आर्मी हेलीपैड पहुंचे थे, जहां कार से वो आईटीबीपी के औली कैंप पहुंचे। यहां रिजिजू ने आईटीबीपी के अधिकारियों से मुलाकात की। बीती रात औली में ही किरण रिजिजू ने आराम किया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने कलसियान और झांगर इलाके में जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सोमवार सुबह से दोनों तरफ से ही रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। प्रशासन ने नौशेरा सेक्टर में LOC के पास के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सुरक्षा बलों को पथराव करने वालों पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि पैलेट गन का विकल्प सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। इस बीच बड़गांव में 9 अप्रैल को एक व्यक्ति को जीप के आगे बांधे जाने के मामले में बड़गांव पुलिस ने 53वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अज्ञात जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सफाई में कहा है कि बिरवाह में करीब 500 लोगों ने पोलिंग पार्टीज को बचाने के लिए एक पत्थरबाज को पकड़कर जीप पर बांधा था। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक भारत की राजनयिक पहुंच को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि कानून के मुताबिक जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 14वीं बार राजनयिक पहुंच की मांग को खारिज किया है। पाकिस्तान में जासूसी का आरोप लगाकर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह का समझौता नहीं करेंगे। गुजरात के सूरत में PM मोदी ने कहा है कि सरकार सस्ते इलाज और सस्ती दवाओं के लिए जल्द नया कानून लाएगी। PM ने डॉक्टर्स से भी कहा है कि सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखे। इससे पहले PM ने सूरत में काफिला रुकवाकर 4 साल की बच्ची नैन्सी से बात की। नैन्सी ने PM से मिलने के लिए वो दौड़कर रास्ते पर आ गई थी। प्रधानमंत्री मोदी दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा भी पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। आज योगी सरकार कैबिनेट की बैठक करने वाली है। सरकार के 30 दिन पूरा होने पर ये तीसरी बैठक होगी। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब तक हुई बैठकों में योगी सरकार ने जनता के हक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने बिजली विभाग से इंटरव्यू खत्म कर दिया है और अब बिजली विभाग में होने वाली समूह ग और घ की भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा। आज से कैबिनेट की बैठक में जो बैठक आज होने वाली है, इस पर मुहर इस बात से लग सकती है। आज CM योगी आदित्यनाथ 7 विभागों का प्रेजेंटेशन भी लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से भी योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात कर सकते हैं। यूपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि उनके मंत्री भी पूरे एक्शन में हैं। सहकारिता मंत्री उपेंद्र तिवारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं।
क्रय केंद्रों पर पहुंचकर लोगों की परेशानी समझ रहे हैं और प्रशासन की मनमानी पर अंकुश लगा रहे हैं। बलिया में उपेंद्र तिवारी ने 15 क्रय केंद्रों पर छापेमारी की। ज्यादातर जगहों पर कुछ न कुछ खामियां मिली। 3 क्रय केंद्र को बाकायदा बंद वो क्रय केंद्र मिले और मंत्री ने बताया कि किसानों का हक मानने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंच गए हैं और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम बनने के बाद त्रिवेंद्र रावत पहली बार रुड़की पहुंचे थे। इस मौके पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक देशराज कर्णवाल और प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। 3 तलाक पर सीएम रावत ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं गन्ना किसानों पर सीएम रावत ने कहा है कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द किया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट मिल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। हमने जो गन्ना किसानों को बकाया है, क्योंकि अभी हम लोग अभी सरकार बनी है तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं था कि हम पूरा बजट ले सकते। अभी मैंने आदेश दिया है कि तुरंत हमारे जो किसान भाइयों का जो भुगतान है उसमें से जितना भी हम लेखा अनुदान में से निकाल सकते हैं उन किसान भाइयों के लिए, तो आज ही मैंने 20 करोड़ रुपया अभी जो सरकारी जो मिले हैं उनके किसानों के लिए, और जो प्राइवेट मिले हैं उनके मालिकों को कह दिया गया है कि आप तत्काल किसानों का पेमेंट करिए। हमारे समाज में से ही एक समाज ऐसा है कि जहां आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 3 तलाक का मसला ये जायज है। ये 3 तलाक का मसला जायज नहीं हो सकता है, ये नारियों पर अत्याचार है। और इसलिए ये 3 तलाक का मसला जो लोग इसका समर्थन करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, विचारिए कि आप कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। कैसे देश प्रगति करेगा, कैसे कोई समाज प्रगति करेगा अगर एक महिला के साथ इस तरह से अत्याचार होगा। ये देवभूमि में कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा। देहरादून में काला धन रखने के आरोप में देहरादून सीजेएम कोर्ट ने सराफा कारोबारी को 2 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। देहरादून में पंजाब ज्वेलर्स फर्म के मालिक राजू वर्मा ने 1996 में स्विस बैंक में खाता खोला था, लेकिन ये जानकारी इनकम टैक्स से छिपाई थी। 14 मार्च 2012 को इनकम टैक्स ने छापा मारकर कई दस्तावेज कब्जे में लिए और केस दर्ज किया। जांच के बाद स्विस बैंक में 92 लाख जमा होने की पुष्टि हुई है। भारत सरकार ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं और कोर्ट में सुनवाई के दौरान 6 गवाह पेश किए गए हैं, जिसके बाद अब देहरादून सीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई। इनको 2 साल की सजा सख्त, वो 25,000 रुपए जुर्माना एक धारा के अंदर, इसी प्रकार 277 के अंदर 2 साल की सजा सख्त व 25,000 का जुर्माना सजा। इनको 1 महीने के लिए मौका दिया गया सीजेएम कोर्ट में स्वयं। क्या करने के लिए हाई कोर्ट नहीं, अपील फाइल करेंगे वहाँ से। अपील फाइल करेंगे। देहरादून में एक मां पर अपनी 12 साल की बच्ची को बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि 2 लाख रुपए में बच्ची का सौदा किया गया। बसंत विहार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया और बयान दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कितने में बेचेंगे बताया क्या? 2 लाख रुपए में बताया था हमने, बेचा इतना उसका खर्चा था। उत्तराखंड में राज्य सहकारी बैंक के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य सहकारी बैंक के 4 डायरेक्टर्स ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने संख्या बल के आधार पर सहकारी बैंकों के चेयरमैन का रास्ता साफ कर लिया है, जिसमें से राज्य सहकारी बैंक के डायरेक्टर हल्द्वानी से किरण नेगी, हरिद्वार से देवेंद्र रावत, उत्तरकाशी से बर्फी भक्ति और अल्मोड़ा से रमेश राम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस छोड़कर आए इन लोगों को बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री पाल आर्य और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अब संख्या बल के आधार पर बीजेपी की राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर जीत तय हो गई है। गौरतलब है कि पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजीव आर्य ने नैनीताल विधायक बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तभी से ये पद खाली पड़ा हुआ था। 4 डायरेक्टर्स के कांग्रेस छोड़ने के बाद 12 डायरेक्टर्स में से 7 डायरेक्टर बीजेपी पार्टी से हो गए हैं। ऐसे में सहकारिता बैंक का अध्यक्ष बीजेपी से बनना तय हो गया है।
परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सोमवार को हल्द्वानी के काठ गोदाम सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के जवाब से मंत्री जी संतुष्ट नजर नहीं आए, लिहाजा अधिकारियों को फटकार लगा दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा परिवहन निगम उपलब्ध कराए। मंत्री जी ने बसों की बदतर हालत पर अधिकारियों को जमकर लताड़ा और सख्त लहजे में कहा कि अब सड़कों पर बिना परमिट के वाहन नजर आए तो अधिकारियों की खैर नहीं। यात्रियों को बेहतरीन बेहतर सुविधा मिले, हमारे बसों की दशा बेहतर हो, समय पर बसों का संचालन हो। बसें खराब हो जाती हैं अक्सर, तो हमारे यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तत्काल व्यवस्था हो। बिना परमिट की गाड़ियां हैं उस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। जो हमारा प्रवर्तन दल है उनको स्पष्ट कहा है कि आपकी भूमिका की हम समीक्षा करेंगे। अल्मोड़ा के खजुरानी गांव में भूख से हुई किशोरी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का बयान आया है। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि किशोरी की मौत की वजह भुखमरी नहीं है बल्कि अन्य कारणों से उसकी मौत हुई है। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक महेश नेगी ने लड़की की मौत की वजह को भुखमरी बताया था और इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीएम से बात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद की बात कही है और पीड़ित परिवार को मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि शासन और प्रशासन भुखमरी से मौत नहीं होने का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने लड़की की मौत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भूख से मौत होना बेहद चिंताजनक है। नहीं, मुझे अभी ये जानकारी मिली है जो कि बहुत ही दुखद है, और 17 साल की इस बिटिया ने जिसने दुनिया पूरी तरह से देखी भी नहीं थी, वो हम लोगों की अकर्म मान्यता के कारण, संवेदनहीनता के कारण काल कवलित हो गई। मैंने अभी वहाँ पूरा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, अगर वहाँ पर राशन की आवश्यकता है, अगर वहाँ पर दवाई की आवश्यकता है, और भी लोगों के साथ में अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ वहाँ खड़ी होगी। अधिकारी हो चाहे वो SDM हो, तत्कालिक राहत में उन्होंने क्या किया ये अभी तक उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया। ये भय भूख और भ्रष्टाचार ये दिखाई दे रहा कि सरकार को स्वास्थ्य पर कोई चिंता नहीं, सरकार को भूख पर कोई चिंता नहीं, ये सरकार पूरी तरह विफल। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुट साहिब की यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले हेमकुट साहिब की तस्वीरें सामने आई है, जहां बड़ी तादाद में बर्फ जमा है। हेमकुंड साहिब 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, हालांकि कपाट खुलने में एक महीने का वक्त है, तब तक बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन जो नजारा दिखाई दे रहा है वो बेहद खास है। वो भी गागरिया से लेकर गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब का रास्ता जो बर्फ से भरा पड़ा है, और अटलाकुड़ी में कम से कम 4-5 फुट के से ज़्यादा ही बर्फ है, और हेमकुंड साहब में तो काफ़ी बर्फ है 10 फुट के लंबा है। 20 तारीख को आर्मी पहुंच जाएगी और गुरुद्वारा स्टाफ भी पहुंच जाएगा, तो दोनों मिलकर उस रास्ते के जो है बर्फ़ काटने का काम है वो शुरू कर देंगे। और मुझे लग रहा है कि 3 किलोमीटर इस साल पूरा प्रॉपर रास्ता है जो बर्फ़ से और ग्लेशियर से ढका हुआ है, जिसको काट कर ही रास्ता बनाना पड़ेगा। उर्वशी रौतेला, जुबीन नौटियाल और नेहा कक्कड़ उत्तराखंड के इन चेहरों ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब तीर्थ नगरी ऋषिकेश से टोनी कक्कड़ ने भी अपने संगीत से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। ऋषिकेश अपने घर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर टोनी कक्कड़ को देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। टोनी कक्कड़ ने कहा है कि उनके लिखे 15 गानों में से 12 गानों को टी सीरीज ने चुना है, वो अभी तक 25 गानों को कंपोज कर चुके हैं। जब भी ऐसा मुझे मौका आएगा, आई थिंक मुझसे ज्यादा गौरव किसी को महसूस नहीं होगा। मैं बहुत खुशी से यहाँ का उत्तराखंड का म्यूजिक, पहाड़ी म्यूजिक बॉलीवुड में उसको इंटरप्रेट करके ले जाना चाहूँगा।
कानपुर में आधी रात को लपटों ने तांडव मचाया। ये सीसामऊ थाना इलाके की घटना है। कालपी रोड के गुप्ता फर्नीचर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जब धुआं निकलते हुए देखा तो फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फर्नीचर स्टी फर्नीचर 87/9 वालपी रोड आठ, इसमें 67 से आग लग गई थी। प्लास्टिक की दुकान थी, उसके कुर्सी की फर्नीचर की उसी में आग लग गई थी, जिसको रूप से भुगा लिया गया है। कोई जीव हान नहीं, क्षति का विवरण ये कल बता पाएंगे, आज बताने। यूपी के मैनपुरी से बेहद ही डराने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी कितने बेखौफ है। पुलिस चौकी में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पुलिस चौकी पहुंचा था, लेकिन वहां पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जिस वक्त पुलिस चौकी में हिंसक झड़प हो रही थी, उस वक्त पुलिस वाले चौकी से फरार हो गए। पुलिस वाले बाद में पहुंचे, गोली मारने वाले लड़के को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जिस तरह से हिंसक झड़प हुई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि पुलिस वाले आखिर क्यों भाग गए? उन्होंने अपने सीनियर्स को क्यों नहीं इसकी सूचना दी? जिस चौकी इंचार्ज को कुछ दिन पहले लाइन हाजिर किया गया था, उन्हें एक हफ्ते के अंदर चौकी इंचार्ज क्यों और कैसे बना दिया गया? वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज में देसी शराब के ठेके पर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साई महिलाओं ने शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। शराब की दुकान में लगी आग की वजह से बिजली के तार जल गए, लिहाजा पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। जिसकी वजह से इसको बता दें कि इसकी सूचना डायल 100 को दी गई थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दरअसल शराब की दुकान के खिलाफ लगातार महिलाएं मुहिम चला रही हैं। लखनऊ में भी महिलाएं सड़क पर उतरी। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान पर शराब पीते हुए लोग महिलाओं पर गंदे कॉमेंट्स करते हैं, लिहाजा ऐसी दुकानों को बंद करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुरानी रंजिश में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों से लैस बदमाशों ने बीएसपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विनोद को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही विनोद की मौत हो गई। पिलकुआ कोतवाली इलाके के रहने वाले विनोद घर के बाहर निकले ही थे कि हमलावरों ने उन पर अटैक कर दिया। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झांसी में दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों युवकों का मर्डर किया गया है। जंगल के पास माधव और राहुल के शव मिले हैं। जिस जगह पर शव मिले, वहां पूजा की सामग्री भी मिली है। दोनों की गला काटकर हत्या की गई थी। पुलिस को जब दोनों के शव लावारिस हालत में मिले, तो उन्होंने माधव के पिता को इसकी सूचना दी। इस डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या की वजह का पता लग जाएगा। 29 अप्रैल की शादी है, उसके निमंत्रण लगा रहे थे सर। इसके बाद में यहाँ से पुलिस वाला ने सूचना दी कार्ड पढ़ के जो है जी नंबर किसका है सर, हमने बताया कि मेरा नंबर है। बोले जो यहाँ माने लाश पकड़ी गई है तुम्हारे बच्चे, हमने हाँ सर हमारे बच्चे यहाँ आन के देखा है, सो मैंने मेरे बच्चे निकले जी अपोजिशन में। हमें जंगल में मन लेटे थे, खून खचड़ दिखाई दे रहा। अच्छा, क्या हाँ, था गले में घाव कुल्हाड़ी के थे। अच्छा, क्षेत्र एरच में दो लगभग 25 साल के युवकों की लाश मिली थी और उनकी पहचान हो गई। एक का नाम माधव और एक का नाम राहुल है। उसके आसपास पूजा की सामग्री भी है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कुछ वो लोग अनुष्ठान करने गए थे, आपस में किसी बात पे विवाद हो गया तो उनकी हत्या कर दी गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना शहर में 75 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में 44 एकड़ जमीन वो है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय
एरोड्रम के लिए आरक्षित किया गया था। करीब 200 करोड़ रुपए की ये सरकारी जमीन फर्जी पट्टे बनाकर अधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर बेच दी है। लिहाजा अब रघुराज नगर के एसडीएम ने बीजेपी नेता लक्ष्मी यादव समेत अग्रवाल मोटर्स के मालिक नरेश अग्रवाल को भी नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इधर कलेक्टर ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और कांग्रेस इस मामले को लेकर अब सड़क पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री के निजी स्थापना में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष वेतन में सरकार बढ़ोतरी करेगी। 200 से 500 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह मंत्रालय के अधिकारियों को मिलने वाला विशेष वेतन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में मुंबई स्थित राज्य सरकार की जमीन पर मध्यालोक नाम के गेस्ट हाउस निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं आधा दर्जन सिंचाई परियोजना, संविदा नियुक्ति और समूह नल जल योजना पर भी विचार होगा। पांचवें राज्य वित्त आयोग के लिए पदों का निर्माण करने का प्रस्ताव, साथ ही शासकीय लेखन सामग्री और प्रकाशन भंडारण कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के किसान फसल बीमा के मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर ये किसान भोपाल पहुंचे। करीब 1000 से ज्यादा किसान 2 साल पहले बीमा का प्रीमियम अदा कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त बर्बाद हुई सोयाबीन फसल का मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला। मामला सीहोर जिले के मुल्लानी गांव का है। जब ये किसान भोपाल पहुंचे तो पता लगा कि बीमा और बैंक कंपनी की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। बीमा का प्रीमियम अदा करने के बावजूद उनका नाम इसलिए नदारद है क्योंकि बैंक और बीमा कंपनी ने इस गांव में 521 हेक्टेयर जमीन के किसानों का प्रीमियम तो लिया, लेकिन उसे रजिस्टर में दर्ज करते वक्त केवल 21 हेक्टेयर ही दर्ज किया। एक क्लेरिक मिस्टेक की, माफ कीजिएगा, इस मिस्टेक की वजह से खामियाजा एक गांव के किसानों को भुगतना पड़ा। लेकर आए गए थे हमारे यहाँ फसल खराब हो गई थी 2014-15 में, तो उसमें सोयाबीन की, उसमें बीमित राशि हमारी थी 521 हेक्टेयर और मात्र यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से 50 हेक्टेयर का बीमा हमारे पास बैंक में पहुँचा है। ये बैंक और बीमा कंपनी दोनों की गड़बड़ी से हम मुसीबत है कि हम दर दर भटक रहे हैं, परेशानी हो रही, बीमा नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मुख्यमंत्री के भाषण में खलल डालना अतिथि शिक्षकों को भारी पड़ गया। सागर संभाग के कमिश्नर के आदेश के बाद दमोह जिला शिक्षा अधिकारी ने अतिथि शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बर्खास्त अतिथि शिक्षकों के सामने अपने परिवार को पालने की समस्या खड़ी हो गई है। यही वजह है कि अब अतिथि शिक्षक उन्हें वापस बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें बहाल किया जाए, नहीं तो उनके सामने मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के 17 ब्लॉक लेवल के डॉक्टर्स ने अपना सामूहिक इस्तीफा सीएमएचओ को सौंप दिया है। ये डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए नियम को सर्विस लागू करने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल नए नियम के तहत सर्विस में तैनात डॉक्टर्स को स्पेशलिटी कोर्स की मान्यता का प्रावधान नहीं है। ये पॉलिसी केवल 89 ब्लॉक पे चलाई गई है, हम सभी को इन सर्विस कैंडिडेट मानना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने ये मतलब पहले कोशिश की कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन 2 महीने से जब कोई भी समाधान नहीं मिला तो हम लोगों ने आज फाइनली इस्तीफा दे दिया है। ये टीकमगढ़ जिले से 17 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। हमारी इसमें मुख्य मांग ये है, इस कारण से दिया है कि अभी जो इन सर्विस पॉलिसी बनाई गई है वो पूर्णतः गलत तरीका से बनाई गई है और जिसमें हम लोगों को ठगा गया है पूर्णतः। सरकार ने इस बार जो पॉलिसी बनाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पूरा और पूर्णतः उल्लंघन किया गया है और नए मनमाने ढंग से पॉलिसी बनाई गई है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं।
उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो उत्तर कोरिया भी परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद उत्तर कोरिया ने ऐलान किया है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री हैन सोंग यूल ने कहा है कि हम अब और ज्यादा मिसाइल टेस्ट करेंगे, हम हर हफ्ते, हर महीने और हर साल मिसाइल टेस्ट करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर अचानक हमले समेत फॉरेन मिलिट्री एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये जानकारी व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिका का मानना है कि ऐसा करने से इस इलाके में माहौल खराब करने की नॉर्थ कोरिया की कोशिशों को रोका जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि नॉर्थ कोरिया लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है।